को अगर आइडिया सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स तो आइडिया ऑफकोर्स है, लेकिन पोलिटिकल साइंस में भी शायद आइडिया हो कि दरखाइम के जो आइडियाज़ हैं सोशोलॉजिस्ट जो था कि भाई रूरल एरियाज़ के अंदर लोग जो हैं उनमें बहुत सी चीज़ें जो कि कॉमन होती हैं, सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं, सिमिलर उनके नॉर्म्स होते हैं, एक तरह की ऑक्यूपेशन होती है, तो उनके ऊपर कंट्रोल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके में पाई जाती है बहुत ज़्यादा सॉलिडारिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बेडुइंस की बात हो रही है, दे डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप सॉलिडारिटी या बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप कोहिजन, और इसके लिए टर्म है असाबिया, ASABIYA। तो यही सेंट्रल थीम है ऑफ मुकदमा। इसका मतलब हुआ कि असाबिया किन लोगों में पाया जाता है जो कि बेडुइंस हैं, और ये कौन लोग हैं, ये नोमैड्स हैं, ये ट्राइबल लोग हैं। और असाबिया एक्चुअली जो वर्ड है इसका जो रूट वर्ब है वो है असाबा, ASABA। इसका मतलब है कि ही लाइक ट्विस्टेड, किसी को ट्विस्ट करना लाइक समथिंग। लेकिन इसका अगला वर्ड है उसबा, USBAH, और उसका मतलब है अ पार्टी ऑफ मेन हु लीग टुगेदर टू डिफेंड वन अनदर। इसका मतलब है कि असाबिया में उसबा जो है वो भी लोग हैं जो बेसिकली इकट्ठे होकर डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब उनमें बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, ग्रुप सॉलिडारिटी पाई जाती है। मिडीवल अरबिक डिक्शनरीज में भी असाबिया को डिफाइन कैसे किया गया है, a strong attachment which holds several persons closely united by the same interest or opinion. वो लाजमी बात है कि एक तरह के values रखने वाले, एक तरह की सोच रखने वाले, एक तरह का interest रखने वाले, एक तरह की opinion रखने वाले लोग जो हैं they would be bound together, और उनमें जो attachment पैदा हो रही है, जो solidarity पैदा हो रही है, उसी को असाबिया कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेडुइंस हैं द लिव्ड इन ट्राइब्स, और जितने मेंबर्स हैं ट्राइब में वो एक दूसरे के रिलेटिव्स ही होते हैं, जिनका मतलब है किन्समैन, KINSMEN, एक दूसरे के रिलेटिव्स ही होते हैं, और उनका जो एंसेस्टर होता है कोई कॉमन एंसेस्टर लाइक होता है। इसका मतलब है कि ये जो कॉमन एंसेस्टर होना है और रिलेटिव्स एक दूसरे के, दिस वॉज अ रीजन कि उनमें पाई जाती है ग्रुप लॉयल्टी या ग्रुप सॉलिडारिटी। और ये जो लॉयल्टी है ये डिमांड करती है कि आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं वो बाद में हैं, आपकी जो ग्रुप सॉलिडारिटी है वो पहले आती है। याद करें कि सोशियोलॉजी के अंदर एक टर्म होती है गैमन शेफ, जो कि फर्डिनेंड टॉनी सोशियोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल की थी। उसका मतलब ये होता है कि गांव के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा कोहिजन पाई जाती है, उस तरह से एक आइडिया दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ सेंटेंसेस शायद मैं आपको बोल दूँ ताकि समझने में आसानी हो। लाजमी बात है एक ट्राइब के अंदर रहने वाला आदमी जो है वो अगर ट्राइब से बाहर जाएगा डेजर्ट में, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसकी सिक्योरिटी किस चीज़ में है कि वो ट्राइब के अंदर रहे और वहीं वो सेफ रहेगा। इसका मतलब है कि नो वन वुड वॉन्ट कि वो अपने ट्राइब से दूर हो। इसका मतलब जो भी ट्राइब का कुछ डिसीजंस हैं या सो कॉल्ड उनका अपना एक लॉ है जो का कंसेंट से ही होता है, तो इसका मतलब है कि ही मस्ट अबाइड बाय दैट डिसीजन, अदरवाइज ही माइट बी ऑस्ट्रासाइज्ड, उसको निकाल दिया जाएगा अपने उसमें से। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाची अब बेडुइन, इसका मतलब हुआ कि वो लोग हैं ट्राइबल हैं, उसके बाद आते हैं सिडेंट्री, जैसे पहले गांव होता है फिर बाद में शहर बनते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया। चाची इसका मतलब हुआ, एक जुमला यहाँ इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ, अ ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग ग्रुप सॉलिडारिटी विल ऑल्सो स्ट्राइव टू अटेन किंगशिप। इसका मतलब हुआ कि यहाँ अब हम बात करने जा रहे हैं कि एम्पायर्स कैसे बनती हैं, डायनेस्टीज कैसे बनती हैं, रूलर्स कैसे बनते हैं, नए रूलर्स, और वो जो कौन ट्राई करेगा टू बी अ न्यू रूलर, वो वही ट्राई करेगा जो बेडुइन ट्राइब से, अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून। इसका मतलब अ ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग ग्रुप सॉलिडारिटी विद एंडेवर विल स्ट्राइव बेसिकली टू अटेन किंगशिप, और जिसको अरबिक वर्ड में मुल्क, MULK, यानी कि पावर हासिल करने के लिए।